हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 11 एयर अराउंड अस। ओके, एयर अराउंड अस। देखिए, इससे पीछे का जो चैप्टर लेसन 10 है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। लेसन 10 आपको रीड नहीं करना है और उसके क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज कोई भी चीज़ टेस्ट और एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को आप स्टडी नहीं करेंगे, वहाँ पे पेंसिल से क्रॉस कर दीजिएगा, उस चैप्टर को स्टडी आपको नहीं करना है। तो इसलिए हम लेसन 11 इस वीडियो में लेकर आए हैं और आपको लेसन 11 का इस वीडियो में रीडिंग चलेगा और एक्सप्लेनेशन चलेगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम हम इसको रीड करेंगे और आप उसे फॉलो करिएगा। एयर अराउंड अस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, इट हेल्प्स अस टू breathe and remain alive. We cannot see air, but we can feel it when it moves. Characteristic of air. Number one, air occupies space. Air occupies space and gives shape to things. When we blow air into a balloon, it grows bigger as the air fills the space inside the balloons. Thus, it gives shape to the balloons. Number two, air has weight. A balloon with air is heavier than a balloon without air. Okay? तो first time आप इसको read करिएगा, उसके बाद आप जो है जब मैं इसे explain करूँगा तो आप one by one उसे follow कीजिएगा। Okay? चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर, अब हिंदी में इसे समझेंगे हवा, ठीक है ना, जो हवा होता है एयर, ठीक है ना। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी, वायु भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग, फॉर आर लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीज़ों के लिए यह आवश्यक है। इट हेल्प अस टू ब्रीथ, यह हमें सांस जो होता है ब्रीथिंग में, ठीक है ना, यह हमें सांस लेने में जो है हमारी मदद करता है, ठीक है, ब्रीथिंग में यह हमारी मदद करता है। एंड रिमेन अलाइव, और हमें जीवित रखता है। वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट लेकिन वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं इट, इसे हम इसे महसूस कर सकते हैं। व्हेन इट मूव्स, जब यह चलता है मूव होता है, तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, हवा के जो हैं गुण, कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टर है हवा के, ठीक है ना। तो नंबर वन, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जो है स्थान घेरता है, स्पेस जगह होता है उसे फिल करता है, भरता है, ठीक है ना। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा स्थान घेरता एंड गिव शेप टू थिंग्स, और ये चीज़ों को जो है एक शेप देता है, एक आकार देता है। व्हेन वी ब्लो, जब हम ब्लो करते हैं एयर इंटू ए बैलून, एक बैलून को जब हम फुलाते हैं, ऐसे समझिएगा आप, ठीक है ना, जब हम बैलून को फुलाते हैं, ठीक है ना, जब उसमें हवा हम ब्लो करते हैं, भरते हैं, ठीक है, तो इट ग्रो बिगर एज द एयर, तो इट ग्रो बिगर, यह बड़ा हो जाता है एज द एयर, ठीक है ना। फिल द स्पेस, जब ये स्पेस को भरता है, जगह को भरता है बैलून के अंदर, तो ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। द स्पेस इनसाइड द बैलून, तो जो बैलून के अंदर का स्पेस होता है वो फिल हो जाता है, वो भर जाता है। दस इस प्रकार इट गिव्स शेप टू द बैलून, इस प्रकार यह बैलून को शेप देता है, आकार देता है। पॉइंट आउट टू, एयर हैज़ वेट, जो हवा है वो वेट, भार भी रखता है, वजन, ठीक है ना। ए बैलून विथ एयर, एक बैलून विथ एयर, हवा के साथ में लीजिए। इन इट इज हैवियर, ठीक है ना, अगर एक बैलून विथ एयर, यानी एक बैलून जो एयर के साथ में है, इट इज हैवियर, यह भारी होगा देन ए बैलून विदाउट एयर, तो
एक बिना हवा के बैलून के या भारी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम हवा के साथ बैलून को वेट करेंगे तो देखेंगे विदाउट एयर वाला जो बैलून है सेम अगर वेट का है तो देखेंगे जो जिसमें हवा भरा हुआ है वायु है ठीक है ना वो भारी होगा और जिसमें वायु नहीं है वो लाइट हल्का होगा। ठीक है, तो पॉइंट आउट टू है एयर हैज़ वेट, हवा जो है वेट भार भी रखता है। इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हवा के पास भार भी होता है, द्रव्यमान भी रखता है वो। ठीक है ना, एयर हैज वेट, ए बैलून विद एयर इज इट इज हैवियर देन ए बैलून विदाउट एयर। एक बैलून, एक जो गुब्बारा होता है वो हवा के साथ भारी होता है ठीक है ना, अपेक्षा एक बिना हवा के बैलून का। ओके तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको इसी पेज का एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट पेज एयर अराउंड अस का है, ये फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन और रीडिंग सेंड की कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा ठीक है, आप इसको फॉलो करिएगा। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।